हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसे आप कोई फोटो पिक्चर्स जो है क्लिक करते हैं और पिक्चर्स में कोई ऑब्जेक्ट, जो बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जिसे आप यूज नहीं करना चाहते, आप उसे पब्लिक नहीं कर सकते, आप कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसा आ जाता है जो कि आप उसे पब्लिक में दिखा नहीं सकते, तो उसको कैसे हटाना है, कैसे इरेज करेंगे जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपके बैकग्राउंड में, उसी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम अपना जो है एप्लीकेशन ओपन करेंगे जिसमें हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इरेज करने वाले हैं, तो उसका नाम है रिमूव अनवांटेड। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको जो एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले मैं रिमूव अनवांटेड एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा, वेलकम टू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना, सिंपली यहाँ पर गैलरी पर क्लिक कर देना। ये कैमरा से आप कोई फोटो क्लिक करके ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो तो यहाँ से कैमरे पर क्लिक करके कर सकते हैं, कलेक्शन से आप यहाँ पर देख सकते हैं और ट्यूटोरियल से आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे आप इसे यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गैलरी पर हमें क्लिक कर देना है सबसे पहले, और यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अपना जो है फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना एक फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताने के लिए एक उदाहरण के लिए मैंने एक फोटो को रख रखा है, डाउनलोड कर रखा है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं उस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर इरेज करता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो को ये ले लिया। अब इसमें से मैं जो है, इसमें से जो आपको गमला दिखाई दे रहा होगा, इसको हम गमले को हम कैसे गायब करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो रह जाएगा और जो गमला है इसे हम गायब कर देंगे। तो कैसे गायब करेंगे, सिंपली यहाँ पर ब्रश पर क्लिक कर देंगे और इसको जो है यहाँ पर पेंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। जितना हमें ऑब्जेक्ट जो है हटाना है उसको हम यहाँ पर कलर कर देंगे, ये रेड वाला रेड होगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेंट कर देना है। पेंट कर देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना। प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कर यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 से 5 सेकंड आपको लग सकते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली यहाँ पर इरेज हो चुका है। ऐसे ही आपको कोई भी फोटो हो, आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से हटाना हो, इरेज करना हो, आपको सिंपली यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पेंट करके सिंपली प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, और सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सेव पर, और जो है आपका यहाँ पर यस कर देंगे और आपको फोटो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।